नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिकर समाचार से। हम आपको कई खबरें बताते हैं पशु तस्करी से जुड़ी हुई, और तस्कर किस तरह से तस्करियों को अंजाम देते हैं ये भी बताते हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चुनेंगे। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जब आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें रात को पशु तस्कर किस तरह से पशुओं को उठा रहे हैं, मवेशियों को उठाकर गाड़ियों में डाल रहे हैं, वो आप तस्वीरें देखें। रात को, जानकारी है, 2-3 बजे जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो देखें आप। एक लोड करियर में ये लोग आते हैं, 7 से 8 लोग हैं, ब्लैक ड्रेस पहनकर आते हैं, और ब्लैक ड्रेस में आते हैं, फिर अंधेरे में घूमते हैं, देखते हैं लोग घरों के अंदर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वहां से मवेशियों को बाहर निकाल रहे हैं, दौड़ दौड़ के उनको पकड़ रहे हैं, फिर गाड़ियों में डालकर उन बेजवानों को लेकर जा रहे हैं। और ये मामले हैरान करने वाले हैं कि आखिर ये जम्मू शहर के अंदर, मंदिरों के शहर में आखिर हो क्या रहा है, और ये लोग क्यों नहीं रुक रहे हैं, और क्यों इन्हें पुलिस विभाग रोकने में असफल हो रहा है। इस पूरी खबर को विस्तार से हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं राजू शर्मा फोन लाइन पर। राजू जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, सीसीटीवी कैमरा जो फुटेज सामने आई है, इसमें जो तस्वीरें दिख रही हैं जिला सामाक से, ये हैरान करने वाली है। कहाँ की है ये तस्वीरें? दीपक जी, ये सांबा जिले के सांबा कस्बे की है, जहाँ पर फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास ये पशु तस्कर पहुंचे हैं रात के लगभग 3 बजे के करीब। अच्छा, जिस तरह से आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये पशु तस्कर जो है एक गाड़ी में बैठ कर आते हैं, और फ्लड कंट्रोल ऑफिस के पास एक जैसे ही वहां पे पशु देखते हैं तो वहां पर एक गाड़ी रोकते हैं और पशुओं को ऑफिस के अंदर से निकाल कर ले जाने का प्रयास करते हैं। ये फ्लड कंट्रोल विभाग का ऑफिस है, कार्यालय है, वहां से अंदर से निकाल रहे हैं ये? जी बिल्कुल, सांबा में। अच्छा, और उसी के साथ 3 से 4 मवेशियों को ले जाने में कामयाब होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए सांबा जिला में, तो पशु तस्कर जैसे ही रात होती है तो लोग आराम से अपने घरों में सोते हैं, लेकिन पशु तस्कर जो सक्रिय हो जाते हैं और बिना नंबरों के वाहन, फिर चाहे छोटी कारें हो, स्कॉर्पियो हो, बोलेरो हो, फिर लोड कैरियर गाड़ियां हो, उनके माध्यम से जो पशु तस्करी के प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं कई बार जो पुलिस ने पैदल भी पशुओं को ले जाते हुए अवैध तरीके से इनको पकड़ा है। अच्छा अच्छा, गाड़ियों के मतलब नंबर प्लेट हटा देते हैं? बिल्कुल दीपक जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक झुंड के रूप में आते हैं। अच्छा, 3 से 4 से 5-6 लोग एक गाड़ी में होते हैं, और इतने स्पॉट होते हैं कि जहाँ भी इनको कोई मवेशी दिखता है तो उसको गाड़ी में लोड करने के बिना समय गवाए उसको गाड़ी में लोड कर लेते हैं, जैसे कि कोई 5 से 10 किलो की चीज उठा के गाड़ी में छोड़नी हो। अच्छा, इतने इनका सिस्टम है और इतने ये एक्सपर्ट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रात के 3 बजे 2 बजे जो लोग मवेशी तस्करी के प्रयास करते हैं, कई बार सामने से पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिनमें पशु तस्कर जो है रात के अंधेरे में फायदा उठाकर पशु तस्करी के प्रयास करते हैं, और कई बार सांबा के जुवाओं ने इनको पकड़ा भी है, इनका पीछा भी किया है। नहीं तो ये जो तस्वीरें आई हैं, ये रात को कितने बजे वहां पे फ्लड कंट्रोल कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंचे थे? दीपक जी, लगभग ये 3 बजे के करीब की बात है। अच्छा, रात को 3 बजे? बिल्कुल, और उसी के साथ में एक के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें ये सारी तस्वीरें कैद हुई है। अच्छा, और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ होकर, और अगर इनको कोई लोकल एक दो व्यक्ति मिल भी जाए रोकने के लिए तो ये ऐसे व्यक्तियों पर तेजार हथियारों से हमला भी कर देते हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ऐसी गाड़ियों में पत्थर ऑलरेडी भरे होते हैं कि अगर इनका कोई पीछा करे तो उस पर पथराव भी शुरू कर देते हैं। जी, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कई बार पुलिस प्रशासन कहता है कि हम सतर्क हैं, हम पशु तस्करी को रोकने के लिए या फिर नशे तस्करी को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रयास हो भी रहे हैं, क्योंकि पशु तस्कर भी पकड़े जा रहे हैं, मवेशी भी छुड़ाए जा रहे हैं इनके कब्जे से, नशे तस्करी का सामान भी जो है
वो भी पकड़ा जा रहा है, लेकिन ये पशु तस्कर है, कोई उच्च कार्रवाई ना होने की वजह से, कोई सख्त ला ना होने की वजह से इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। जिस तरह से आपने भी कई बार देखा होगा और हमने भी खबरें दिखाई हैं कि जब ये पकड़े जाते हैं तो एक दो तीन दिन में इनकी जमानत हो जाती है, जिससे ये और बेखौफ हो जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि लॉ तो पावरफुल है नहीं, तो जिसकी वजह से ये मवेशी तस्करी को अपना एक धंधा बना चुके हैं और ये इनका एक फैशन बन चुका है कि अब हमने पशु तस्करी करनी ही है। तो इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है, किसी को गिरफ्तारी भी नहीं? देखिए अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है, लेकिन पुलिस को स्थानीय लोगों ने ये शिकायत दी है कि इस तरह इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है पुलिस से कि इन लोगों की शिनाख्त कर, इस गाड़ी की शिनाख्त कर, गाड़ी को भी पकड़ा जाए और उसी के साथ जो आरोपी है उनको भी गिरफ्तार किया जाए। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सामा जिला के लोग अक्सर ऐसे कहीं भी जब पब्लिक मीटिंग होती है पुलिस के साथ तो ऐसे मुद्दों को बेवकूफ उठाते हैं और पुलिस प्रशासन से ये मांग भी करते हैं कि ऐसे पशु तस्कर हो चाहे नशा तस्कर हो जो समाज के लिए बुरे काम कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसकी मांग फिर पुलिस ने स्थानीय लोगों ने जो पुलिस प्रशासन से उठाई है कि इन लोगों को भी पकड़ा जाए और खासकर जो नाके लगाए गए हैं सदर जिले में उन पर और जवानों की तैनाती की जाए, क्योंकि अगर बात की जाए तो नाके तो है, जिस तरह से अभी चुनाव भी चल रहे हैं कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो सतर्क है तो फिर ये लोग किस तरह से मवेशी तस्करी कर सकते हैं। रात को सवाल ये भी उठता है नहीं तो कोई पुलिस वाले मिले हुए हैं? अब ये तो अंधेरे जहाँ कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत हो सकती है, अगर मिली भगत नहीं है तो पुलिस प्रशासन के जो नाके पर लोग होते हैं उनका डीलर वही होता है कि रात को गाड़ी आ रहा है जाने को कोई बात चेक नहीं करनी है। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से बात की जाए कल भी पुलिस प्रशासन ने मवेशियों को पकड़ा था और छुड़ाया था पशु तस्करों से, तो कहीं ना कहीं चेकिंग भी हो रही है, लेकिन अब जरूरत है बड़े स्तर पर कदम उठाने की ताकि हर आने जाने वाले रात के समय हर आने जाने वाहन को चेक किया जाए ताकि इस तरह के पशु तस्करी के प्रयासों को विफल किया जाए। लेकिन हमारी सरकार को भी चाहिए कि अब इस पर एक सख्त कानून बनाया जाए ताकि इन लोगों को कोई खौफ हो, कम से कम कोई सजा हो, ताकि इन लोगों को पता चल सके। लेकिन खासकर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात आती है कि कोई सख्त कानून ना होने की वजह से ये लोग इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। चलिए शुक्रिया शुक्रिया राजू जी, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये देखें पशु तस्कर जो हैं वो किस तरह से तस्करियों को अंजाम दे रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा से फुटेज देखकर आप भी समझ गए होंगे किस तरह से तस्करी को अंजाम देते हैं, भाग भाग कर पकड़ रहे हैं ढूंढ ढूंढ के। ये तो फ्लड कंट्रोल कम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरा लगे थे जहां पर ये तस्वीरें कैद हुई हैं, वरना तो ये लोगों का पता ही नहीं है ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। सिर्फ पशु तस्कर नहीं, नशा तस्कर भी रात को ही सक्रिय होते हैं और सारी कार्य जो ये लोग करते हैं ये रात को ही करते हैं और दिन को शायद सोए रहते हैं। और ये हैरान करने वाले मामले हैं कि ये क्यों नहीं कंट्रोल आ रहे हैं। इसके ऊपर आप भी राय रखें और सतर्क भी रहें और देखते रहें दैनिक हरदम, मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।